हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के थर्ड पार्ट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जेनेटिक्स कैसी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसा हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रोसेस तो डिस्कस कर लिया, साथ में बायोकेमिकल प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाकर रखा हुआ है। इस वाले वीडियो में हम जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे। इसमें क्या है कि क्या होता है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और इन्हें कंट्रोल किया जाता है कुछ जीन्स के द्वारा, जो डाई एजोट्रॉप्स के जीन्स होते हैं उनके द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता है। इनका ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है, नोड जीन्स, निफ जीन्स और हब जीन्स का इन्हें ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो मेन जीन्स होते हैं वो है नोड जीन्स, निफ जीन और हब जीन्स, और इसके साथ नोड्यूलिन जीन्स भी होते हैं जो कि जेनेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि निफ जीन्स, कितने टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, निफ जीन्स कौन कौन से जीन्स होते हैं, इतने सारे जीन्स हैं और इनके फंक्शन हम क्लैप्सिया नियमोनी का बहुत मेन एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं, क्लैप्सिया नियमोनी का। तो ये जो जीन्स है, निफ जीन्स है, वो हम क्लैप्सिया नियमोनी बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज जीन्स एंड उनके फंक्शन, कौन कौन से जीन्स है। पहला है जीन क्यू, जो कि इसका फंक्शन नोन नहीं है। जीन बी, ये सिंथेसिस करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं एफ ई एम ओ और सी ओ का, मीन्स मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट और फेरस का। और जीन ए रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो कि निफ ए प्रोडक्ट एक्टिवेट्स एंड अदर ओपेरॉन को ये एक्टिवेट करते हैं। और निफ एल, ये भी रेगुलेटरी प्रोटीन है। निफ एफ, ये फ्लेवो प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं उनमें ये वर्क करते हैं। निफ एम, ये इनका, ये जो है वो फेरस प्रोटीन की प्रोसेसिंग करते हैं। निफ वी, ये क्या करते हैं, जो मॉलिब्डेनम और फेरस प्रोटीन है उनकी स्पेसिफिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो निफ एस है, इसका भी फंक्शन नोन नहीं है। निफ यू का भी फंक्शन नोन नहीं है। एक्स जो है वो ये जेनेटिकली डिफाइन नहीं किया गया है। और जो निफ एन है, ये लाइक बी की तरह होते हैं, लाइक बी ये इन तीनों के प्रोसेसिंग और सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऐसा ही निफ ई जो होता है, ये भी यही काम करता है, फेरस मॉलिब्डेनम कोबाल्ट की सिंथेसिस में हेल्प करेगा और प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। और निफ वाई जो होता है वो डिस्कवर करता है सेम वे में एज अ एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स जो कि जेनेटिकली डिफाइंड नहीं है, तो ये वाई जो है वो सेम वे में डिस्कवर्ड होता है एक्स के रूप में। के जो है वो करेगा बी सब यूनिट ऑफ मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन के कोड के लिए ये कोड किए जाते हैं। और जो डी है, ये भी फेरस प्रोटीन के सब यूनिट के लिए कोड किए जाते हैं। जो एच है वो भी फेरस प्रोटीन के सब यूनिट के लिए कोड किए जाते हैं। और जो जे है वो नाइट्रोजिनेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोजिनेज में, इनमें ये इन्वॉल्व होते हैं, मींस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नाइट्रोजिनेज एंजाइम में इन्वॉल्व। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो कि ये जो आपका फिजिकल एसोसिएशन दिया हुआ है निप जीन का क्लैप्सिया निमोनी में, अभी हम लोगों ने जितने भी निप जीन्स के बारे में पढ़ा है ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। और साथ में जो फेरस प्रोटीन है, मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स, और ये फेरस प्रोटीन का गामा कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा जो
फेरस मॉलिबेडेनम के जो को फैक्टर हैं, ये यहाँ पे इनकी असेंबली है पूरी, ये नाइट्रोजनस एंजाइम है, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, कौन से जिन की वजह से, जो हम लोगों ने पीछे देखा, इसमें रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो कि रेगुलेट करता है इन्हें फंक्शन करने के लिए। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने बताया ये फेरस मॉलिब्डेनम कोबाल्ट, सॉरी ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, सॉरी गाइस, सॉरी को फैक्टर होगा, फेरस मॉलिब्डेनम को फैक्टर, सॉरी गाइस, इट्स माय मिस्टेक। ये यहाँ पे आप लोगों ने इसका डायग्राम भी देख लिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इकोलॉजी ऑफ डाइएजोट्रोप्स, डाइएजोट्रोप्स की ये सारे जीन है तो उसके इकोलॉजी क्या क्या होती है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं, बहुत सारे हैबिटेट में ये होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, और ये न्यूट्रंस, पीएच, ऑक्सीजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं उनमें डिवाइड होते हैं ये थ्री पार्ट में, नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया। जो एजोटोबैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटेड हेटरोट्रॉपिक ग्रुप होता है, और इसके अलावा ये एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि हाईएस्ट रिस्पायरेटरी रेट की प्रोसेसिंग करते हैं। ये सारे डाइएजोट्रोप्स की इकोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर फैक्टर अफेक्टिंग देखा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो जो नाइट्रेट और अमोनिया होता है उनका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ सर्टन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो नहीं होंगे उसके वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो रेट होती है वो लो हो जाती है, और कुछ कार्बन, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम जो हो गए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं अलॉन्ग विथ फॉस्फोरस, और पीएच इनका जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। एजेटोबैक्टर जो है वो एसिडिक और रैंकिया जो है वो भी एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक पीएच में ही सिर्फ वो ग्रो करते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं। सॉइल जो है उसका जो वो मॉइस्ट होना चाहिए, सॉइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिक्सेशन के लिए, मॉइस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेक्वेट होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो मेसोफिलिक बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का लास्ट वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो का।